नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं खबरी चौक। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हुई है। इस अवसर पर खड़ी चौक अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। तो आइए आपको सभी को ले चलती हूँ मैं इस जश्न में। देश में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र में सत्तासीन दल भाजपा अथवा एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की चुनाव जीत गई हैं। लेकिन सरगुजा में चुनाव की गिनती शुरू होते ही द्रौपदी मुर्मू के बढ़त के बाद जश्न शुरू हो गया। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा एवं आदिवासी प्रकोष्ठ सहित आदिवासी भाई बहनों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य बाजा आतिशबाजी पटाखों के साथ एवं दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काफी संख्या में पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। हमारे रिपोर्टर ने इस दौरान सभी से बात की और जाना क्यों यह जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस देश के इतिहास में आज पहली बार कोई जनजाति समाज की महिला को देश के प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठाया गया है। इसमें न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपितु एनडीए घटक के सारे दल बधाई के पात्र हैं और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचन पर न सिर्फ एनडीए के घटक बल्कि अन्य दलों ने भी दलगत भावना को किनारे रख के और उनको समर्थन देकर एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। शानदार और विजेता जीत के लिए हम पूरे देश को बधाई देते हैं। हमारे आदिवासी समाज से एक नेतृत्व मिला है, हमें गर्व है और पूरे देश को गर्व है। जिस रूप से एक गरीब आदिवासी गांव के रहने वाली ऐसा नेतृत्व करता और सभी रूप से दक्ष विधायक रही, प्रशासकीय सेवक में भी रही, टीचर भी रही, कृषक भी रही और विधायक भी रही, इसके बाद राज्यपाल रही, ऐसे एक सुलझे हुए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाकर और ऐतिहासिक जीत के रूप में जो हमें सफलता मिला है, उसके लिए मैं एनडीए घटक को और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं बहुत बधाई देता हूँ। हम आपको बता दें कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मूलतः उड़ीसा से हैं। वह उड़ीसा की पहली ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। 20 जून 1958 को उड़ीसा में जन्मी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशुपालन संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। आज हम लोग जो बनी है उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जो आदिवासी समाज से जो बनी है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम लोग कितना खुशी और उल्लास का दिन आज है जो शपथ ग्रहण की, तो हम खुशी के खुशी से हम आदिवासी समाज से ये नाच का प्रोग्राम लेके हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक का दिन है और बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए इस खुशी में आज हम लोग बाजे गाजे के साथ झूम उठे हैं सभी बहनें, क्योंकि हम आदिवासी समाज से आज हमारी एक मातृशक्ति मातृ बहने को आज नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा स्थान दिया गया है। आज सर्वोच्च पद को हमारे आदिवासी समाज की एक बेटी, एक बहन, एक नारी शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, उन्होंने उस पद को ग्रहण किया है, तो हमारे लिए इससे बड़ी और सौगात क्या हो सकती है। इसलिए हम मोदी जी को हमारे सभी क्षेत्रवासियों के और पूरे देशवासियों की तरफ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, भाजपा अब आदिवासियों पर अपना फोकस कर रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। एक आदिवासी को मौका देकर भाजपा ने दो निशाने साधे हैं। ऐसे में द्रौपदी महिला मतदाताओं को आकर्षित करने में भी पार्टी की मदद कर सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से कई रिकॉर्ड बने। वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, साथ ही ओडिशा से
पहली और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगे। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हुई है आज, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिहारी लाल उराव जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति गौरव समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि जनजाति समाज से हमारे देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई हैं, जिसके लिए जनजाति समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे देश के एनडीए सरकार जो इनको उम्मीदवार बनाकर भारी बहुमत से विजयी बनाया, इसके लिए मैं माननीय जेपी नड्डा जी को और सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐतिहासिक निर्णय था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन का। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मुर्मू के रूप में एक आदिवासी प्रत्याशी हमारे देश को दिया। निश्चित रूप से ये जनजाति सशक्तिकरण की ओर बहुत दृढ़ कदम था, हमारे विमर्श का सशक्तिकरण था। और इस निर्णय से और इस आज की विजय से भारत का माथा पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। आज पूरे भारत देश में आज पूरे उत्सव का माहौल है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय मोदी जी ने लिया और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सोच को पूरे देश ने स्वागत किया। आज उनकी जीत पे पूरे देश पूरे उत्सव के रूप में मना रही है। पूरा राष्ट्रपति मुर्मू जी की जीत निश्चित ही पूरे देश के लिए पूरे समाज के लिए ऐतिहासिक जीत है। एक तो महिला, ऊपर से अनुसूचित जनजाति की महिला, तो निश्चित ही जो कहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने को लेकर सरगुजा के आदिवासी भाई बहन काफी खुश हैं। यही कारण है कि भाजपा के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी लोग त्योहार की तरह इसे मना रहे हैं और आदिवासी संस्कृति की पारंपरिक नृत्य के माध्यम से इस खुशी को मना रहे हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव रहा और एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना और आज वह जीत भी गई हैं। पूरे आदिवासी समाज को और देश को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो हमारा सरगुजा जिला है और ट्राइबल जिला है, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनजातीय बहुलता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय और खुशी का क्षण है। पूरे जनजातीय समाज में आज खुशी का दिन है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी की सरकार को और एनडीए को। हम सब एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार का जो निर्णय था मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया राष्ट्रपति पद का, उससे पूरे देश में संदेश गया कि एनडीए जो है या भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, इसको कहीं ना कहीं मौका देती रही है। पिछले समय में उन्होंने दलित वर्ग से प्रत्याशी दिया जिसे राष्ट्रपति बनाया, उससे पहले अब्दुल कलाम को बना करके एक अलग संदेश दिया था और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को बना करके अनुसूचित जनजाति से पिछड़े वर्ग परिवार से, गरीब परिवार से एक प्रत्याशी को निकाला जो ओजस्वी तेजस्वी भी थी और आज उनका निर्वाचन हुआ है। हम सब में खुशी का वातावरण है। आज सरगुजा जिले के अध्यक्ष के नाते घड़ी चौक पर व्यापक रूप से आदिवासी जनजाति समूह की महिलाएं, भाई बहन, हमारे कार्यकर्ता सभी मिलकर के, क्योंकि वो राष्ट्रपति हो गई हैं तो सभी दल की हैं, इसलिए हमने कोई फ्लैग नहीं लगाया है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में हम उनका स्वागत कर रहे हैं आज विजय पे। उनको भी बधाई, एनडीए को भी बधाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद और बधाई।